हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो नाम तो जानते ही होंगे, माय नेम इज अतीकुर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हम लोग क्या बात की है, अभी तक हम लोग थोड़ा सा समराइज करें। तो समराइज अगर हम लोग करते हैं तो पहले हम लोग बात करेंगे मीन्स इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये सब बारे में बात किए थे। और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो क्या है हमारे पास, वह था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अगर मैं बोलू कि चार्ज बॉडीज का मतलब हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर है, मीन्स अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है, अगर पॉइंट चार्ज से मीन्स बोलोगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया छोटे छोटे पॉइंट चार्ज को अगर मिला मिलाकर एक कंटिन्यूअस एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो क्या होने वाला है? क्या ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं क्या? मीन्स वी कांट यूज। सपोज करो अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज की, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैसे हो सकता है, देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे पास कुछ इस तरीके से हो या इस मैनर में हो। लेट अस सपोज ए रॉड इन विच प्लस क्यू चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारे पास प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मे बी ए सेमी सर्कुलर रिंग मे बी ए सेमी सर्कुलर रिंग और दिस इज और मैं बोला कि यहाँ पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये प्लस चार्ज यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये बताओ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना होगा। सपोज करो मे बी ए अगर मैं बात करूं हो सकता है क्या ये है प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज प्लस और ये क्या है प्लस चार्ज है हमारे पास। मैं बोला इसके वजह से कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज क्या यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे पास, मे बी ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज मे बी ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज। मे बी ए सर्कुलर चार्ज अगर हमारे पास ये रिंग है, इस रिंग पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके एक्सिस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं किसी भी पॉइंट पे तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे देखने वाले हैं। हो सकता है एक हमारे पास होलो स्फीयर है, मे बी ए होलो स्फीयर इन विच प्लस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड और जितना भी अगर ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो मीन्स चार्ज तो मीन्स सरफेस पे ही होगा। और मैं बोलूंगा किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, मीन्स अगर पॉइंट इस सर्कल के रेडियस से बाहर हो, अगर इसका जो आर है वह आर से कम हो, कैपिटल आर से कम हो, मैं पूछूंगा कि इस पॉइंट पे क्या होने वाला है स्मॉल आर, जब स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर होगा। मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे क्या होने वाला है जब स्मॉल आर की वैल्यू आर से कम होगा। मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे क्या होने वाला है जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे। तब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, तुम बोलोगे यार ये क्या? मैं बोलूंगा इस सारे के सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। वीडियो सही आ रही है? हाँ सही आ रही है। क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या? अगर मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से यहाँ पे निकालना है क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ क्या? सपोज करो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, इस रिंग की वजह से मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या वी कैन यूज दिस फॉर्मूला?
सपोज करो ये हमारे पास एक हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज बॉडीज है और ये तुम्हारे पास सर्कुलर रिंग है, तो ये क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? आंसर होगा कतई नहीं, आंसर होगा कतई नहीं। अगर तुमने यूज किया दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, दिस इज ए ब्लंडर मिस्टेक। अब बोलोगे अगर ये यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ये यूज किस लिए नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए। ये बताओ क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या? क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या? क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या? ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है क्या? ये पॉइंट चार्ज है क्या? मुझे तो नहीं दिखता। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है, और सिंपल और ब्यूटीफुली मैनर में मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है? तो इसका मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया, मैं बोलूंगा कि एक लाइन बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मैं बोलूंगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। लाइन को अगर कलेक्ट करके उसको एक तुम्हारे पास मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में रख दोगे तो क्या बनने वाला है? एक लाइन बनने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे पास एक कोई रॉड है उसके ऊपर पूरा चार्ज है, मान लो एक स्फीयर बॉल है उसके ऊपर पूरा चार्ज है, तो मैं बोलूंगा एक एक पॉइंट चार्ज को जोड़ जोड़ कर बनाया होगा तभी तो ये पूरा कंटिन्यूअस चार्ज बना होगा। मैं बोला कि सपोज करो हमारे पास ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर प्लस 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 चार्ज है, ये प्लस प्लस चार्ज है, तो अगर इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मैं बोलूंगा कि ये पूरा चार्ज जो है यहाँ पे एक एक छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बना होगा। बोल सकते हैं क्या? इसका मतलब छोटे 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 चीज को अगर एडिशन करोगे, अगर तो एडिशन करोगे तो क्या होने वाला? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। हर एक छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लोगे और सबको एडिशन कर दोगे तो क्या मिल जाने वाला है? तो इसका मतलब इसको हम लोग एक अप्रोच रखने वाले हैं, और ये अप्रोच कैसे रखेंगे? तो पहले कुछ कंडीशन है उसको हम लोग यूज करते हैं। एक बोलते हैं हम लोग क्या, पहला होगा हमारे पास दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, के बारे में जानने वाले हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई साहब बहुत ध्यान से समझियो, बहुत काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ये नाम बता रहा हूं, नहीं तो ये नाम बताने की जरूरत ही क्या। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे लैम्डा से। लैम्डा होता क्या है? सपोज वी हैव ए रॉड, मैं बोला ये रॉड है हमारे पास, मैं बोला इस रॉड पे टोटल चार्ज, इस पूरे रॉड पे कितना हमारे पास टोटल चार्ज क्यू है, और इसका टोटल लेंथ कितना हमारे पास, टोटल लेंथ है हमारे पास एल, और यूनिफॉर्मली चार्ज है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, नहीं, जो चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं बोल रहा हूँ क्या, तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, तो भाई साहब ये बताओ इतने इतने डिस्टेंस में, मैं बोला यहाँ पे ये ले लो यहाँ पे डीएक्स, और डीएक्स में जो डीएक्स डिस्टेंस होगा ये एल डिस्टेंस में टोटल चार्ज कितना है क्यू है, तो बोला छोटे से डिस्टेंस में जो चार्ज होगा वो कितना होने वाला है, छोटे से डिस्टेंस में जो चार्ज होने वाला है वो कितना होने वाला है, डी क्यू होने वाला है। तो बोलोगे कि यार छोटा सा चार्ज ये डी क्यू है क्या? दैट डी क्यू इज नोन एज पॉइंट चार्ज। जो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हो ना, वह जो है यहाँ पे क्यू काम कौन करेगा, यहाँ पे डी क्यू काम करने वाला है। तो मैं बोला कि ठीक है, अगर टोटल एल लेंथ में चार्ज अगर हमारे पास क्यू है, अगर L लेंथ में चार्ज हमारे पास Q है, ये बता एक यूनिट में चार्ज कितना होगा, Q by L है हमारे पास। मैं बोला कि अगर एक यूनिट में, तो मैं बोला कि dx लेंथ में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, dx इज इक्वल टू Q by L इंटू कितना होने वाला है यहाँ पे dx होने वाला है कि नहीं।
यह तो क्यू बाई एल डी एक्स है क्या? यही तो हमारे पास स्मॉल चार्ज है, यही तो हमारे पास डी क्यू है, यही तो हमारे पास डी क्यू है। और ये जो क्यू बाई एल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया। ये जो क्यू बाई एल है, दिस क्यू बाई एल इज नोन एज, दिस क्यू बाई एल इज नोन एज लैम्डा, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लैम्डा बोलने वाले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग बोलने वाले हैं। क्लियर हुआ? बेस मजबूत करो बेस, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली हर काम हो जाने वाला है यहाँ पे, ठीक। उसको हम लोग बोलने वाले लैम्डा, और मैं यहाँ पे dx को लिखने वाला हूँ, dx इज इक्वल टू, dx इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx, क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, dx इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, ये क्या नहीं, ये dx नहीं है भाई साहब, दिस इज ए dq, मतलब छोटे से चार्ज में ये कितना आने वाला है, तो मैं बोलूंगा लैम्डा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, क्यू बाई एल के बराबर होने वाला है। और क्यू बाई एल देखो थोड़ा सा अप्रोच बढ़िया होना चाहिए, मीन्स ये हमारे पास क्यू बाई एल, तो ये बताओ क्यू बाई एल क्या डी क्यू बाई डी एक्स के बराबर होने वाला है कि होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, दिस इज ए डी क्यू बाई डी एक्स होने वाला है। अगर नहीं समझ में आया तो देखो एक बार फॉर, मैं बोला कि हमारे पास 10 कूलम चार्ज है इसके ऊपर, मैं बोला कि हमारे पास 10 कूलम चार्ज है, और बोला टोटल लेंथ हमारे पास कितना है, 10 मीटर, 10 कूलम चार्ज है 10 मीटर में, मैंने 10 मीटर में 10 कूलम चार्ज है, तो मैं बोला कि ये यहां से 2 मीटर में कितना हमारा, 1 मीटर में कितना चार्ज होने वाला है, तो ये बताओ 10 मीटर में अगर हमारे पास 10 कूलम चार्ज है, तो ये बताओ 1 मीटर में कितना चार्ज होने वाला है, 10 बाई 10, इसका मतलब 1 मीटर में कितना कूलम होगा, 1 कूलम होने वाला है, मतलब यूनिटरी मेथड है ये, इसका मतलब 1 मीटर में अगर 1 कूलम है तो 2 मीटर में 2 कूलम, 3 मीटर में 3 कूलम, इसका मतलब dx लेंथ में कितना होने वाला है, q / l / dx, सही है, समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये कब यूज करोगे, जब चार्ज लीनियरली मैनर में तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा नहीं होगा कि पूरे एरिया में हो, मतलब मैं बोलूंगा चार्ज या तो यहाँ पे होगा, या तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होने वाला है, या तो यहाँ पे होने वाला है। मैं बोला कि ठीक है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, अगर मैं बोला कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा तो क्या लिखने वाले हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, सिग्मा, किससे लिखते हैं हम लोग, किसमें, सिग्मा से। सिग्मा होता क्या है, ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे सपोज करो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ एरिया है, और मैं बोला कि ये टोटल एरिया हमारे पास है एरिया ए, टोटल एरिया ए है, इसके ऊपर जो चार्ज है क्यू है, ये बताओ छोटे से एलिमेंट डीए में कितना मिस होने वाला है। मैं बोला ये डीए एलिमेंट में, ये जो डीए एलिमेंट है इसमें कितना चार्ज होगा, मैं बोला डीए एलिमेंट में जो चार्ज होने वाला है वो क्या होने वाला है, डी क्यू होने वाला है, लिख सकते हैं क्या, क्यों होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहां पे बोलते हैं क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, रूस है। भाई साहब हम लोग ना हर एक चीज को प्रूफ करने वाले हैं, मीन्स थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बट अच्छे से करेंगे, ये नहीं मतलब हाँ उड़ा दो, अच्छा ये कैसे हुआ, मैं बोलता कि क्यों भाई यार तुम ये समझाता ही नहीं, तो पूरा बेसिक पहले क्लियर करेंगे हम लोग वन बाई वन, सारे फिर उसके बाद सारी चीजें करने वाले हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो, तो रो को हम लोग क्या बोलेंगे, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होने वाला है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको समटाइम्स डी क्यू बाई डीवी भी लिख सकते हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी क्यू बाई डीए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या क्या होगा, मैं बोला कि ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक बॉडीज है हमारे पास, दिस इज ए वॉल्यूमेट्रिक बॉडीज है हमारे पास कुछ इस तरीके से करके, मैं बोला कि ये हमारे पास है, मान लो कि ये पूरा चार्ज इसके अंदर क्यू है, ये टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास भी, मैं बोला कि छोटे से वॉल्यूम में चार्ज बताओ, मैं बोला कि इतने से वॉल्यूम में मुझे चार्ज बता दो भाई साहब कितना होने वाला है, तो तुम बोलोगे बहुत आसान, डिग्री में जो चार्ज होगा वही कितना होने वाला है, डिग्री का चार्ज होने वाला है, यही तो है हमारे पास। तो ये है हमारे पास अप्रोच, इस तरीके से हम लोग अप्रोच लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चले आगे, चले तो चलते हैं, लीनियर चार्ज ये हो गया हमारे पास, इसको यूज कैसे करेंगे, तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे आएंगे। ट
क्या फेंका ज्यादा? नहीं आसान है, आसान है, सही बात, आसान तो आसान तो है यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसान है। जब मैं भी 12th में था मुझे भी हार्ड लगता था और तुमको भी थोड़ा लगेगा, बट पढ़ोगे अच्छे से कोई हार्ड वगैरह नहीं होता। तो हर एक चीज आसान है, मीन्स जब तक तुम वो चीज पढ़ोगे नहीं वो चीज हार्ड रहेगी, अगर वो उस चीज को पढ़ लोगे अच्छे से वो चीज क्या होने वाली है, आसान हो जाने वाली है। ऐसे ही मैं क्या बोलने वाला हूँ, सपोज रॉड लिया एक, मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉड, रॉड की वजह से मैं बोला यहाँ पे इतना सही केस पेश हूँ, मैं बोला कि ये हमारे पास एक रॉड है, हियर इज ए रॉड, ये है प्लस चार्ज मान लो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द होल रॉड, इस रॉड का जो लेंथ है वह कितना है हमारे पास, इस रॉड का जो लेंथ है वह हमारे पास है एल, ये क्या हमारे पास एल है। अब मैं बोला कि मुझे इसके एक्सिस पे, रॉड के एक्सिस पे, रॉड के एक्सिस पे मैं बोला इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत आसान है, ये होगा, मैं बोला कि इस पे पूरा जो चार्ज होगा, इस पे जो पूरा चार्ज है, मैं बोला कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना क्यू है, कितना क्यू, तो मैं बोला कि के टाइम्स ऑफ क्यू, और ये होगा हमारे पास आर स्क्वायर। भाई साहब ये लगा सकते हो क्या? नहीं, ये कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के लिए नहीं अप्लीकेबल है, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर पॉइंट चार्ज के लिए है तो मैं बताया था रॉड कैसे बना होगा, मैं छोटे 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 चार्ज को मिलाकर क्या बना होगा, ये पूरा रॉड का चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं बोलने वाला हूँ कि यार चलो अगर ये है तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मैं कट कर लेता हूँ, जैसे हमारे पास वॉल है, अगर मैं बोला कि वॉल किससे बना होगा तो मैं बोला एक ब्रिक को उठाओ, यूनिट सेल, उसको पूरा मिलाते जाओगे तो क्या बन जाएगा, एक वॉल बन जाएगा। तो मैं वही चीज निकाल रहा था, वो क्या होगा वॉल, ये पूरा वॉल एक तरीके का मानो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं बोला एक ब्रिक निकाल लो, वो क्या होने वाला है पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पूरा चार्ज, तो मैं बोला कि डीएल, तो मैं यहाँ पे एक यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इस पी पॉइंट का, मैं बोला ये पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से वह एक्स है, ये एक्स है यहाँ से डिस्टेंस, और ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, दिस इज ए डीएक्स, ये क्या है यहाँ से एक्स है, यहाँ से क्या होने वाला है डीएक्स, और डीएक्स यूनिट में जो चार्ज होगा वह कितना होने वाला है, जो चार्ज है वह मैं बोल रहा हूँ क्या, ये हमारे पास डी क्यू, मतलब इसके वजह से ये प्लस क्यू, इस पे पॉइंट चार्ज रखोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन इधर होगा। मैं बोला अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो ये क्या होने वाला है, दिस इज ए डी, ये डी किसके वजह से आया, बिकॉज छोटे से लेंथ में, छोटे से लेंथ में अगर छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो छोटा होगा कि बड़ा होने वाला, छोटा ही होने वाला, तो छोटा होगा। तो ये बताओ ये पॉइंट चार्ज डी क्यू कैसा एक्ट करने वाला है, इट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, और ये कितना होगा के डी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। मैं बोला ये बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो कितना आई, मैं बोला डी इज इक्वल टू दिस इज नथिंग के डी क्यू बाई, और ये कितना होने वाला है एक्स स्क्वायर होने वाला है, एक्स स्क्वायर होने वाला है। ये बताओ यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, एक्स तो वेरिएबल है, अगर अगर x वेरिएबल है तो याद करो छोटे से एलिमेंटल चीज को जोड़ने के लिए तुम कौन सा चीज इस्तेमाल करते थे मैथ्स में, आई थिंक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज ए टेक्निक टू सॉल्व ए छोटे छोटे एलिमेंट टू एडिशन टू बड़ा एलिमेंट, इसका मतलब छोटे एलिमेंट को अगर बड़ा करना है मीन्स एड अप करके तो क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन। ये थोड़ी ना यूज करोगे यहाँ पे लेकर रखोगे ऐसे हाथ से, नहीं भाई साहब ये मैथ्स है, तो इसका मतलब याद करो इंटीग्रेशन में हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में करते थे, मैं बोला इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा एक्स की पावर एन, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ी ना होता है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो इंपॉर्टेंट है, एक्स की पावर एन और ये कितना होगा डीएक्स, तो ये कितना होता है हमारे पास एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, प्लस क्या होने वाला है सब कॉन्स्टेंट होता है। यहां पे देखो मैं बोला कि ठीक है, तो मैं बोला यहाँ पे देखो तरीका सीखो, तरीका तुम सीखो, मैं याद नहीं कराऊंगा, लैम्डा लिखो ये लिखो बाद में यूज करेंगे हम लोग। मैं बोला कि एल लेंथ में जो चार्ज है वो कितना हमारे पास क्यू है, वन यूनिट में कितना होने वाला है, वन यूनिट में जो होगा वो होने वाला है क्यू बाई एल, कितना होने वाला है क्यू बाई एल होने वाला है। तो ये बताओ यहाँ पे डीएक्स लेंथ में कितना होने वाला है, मतलब एक मीटर में इतना होगा तो डीएक्स मीटर में कितना होने वाला है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, dx इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा q बाई एल
इंटू कितना होने वाला है टी एक्स, और मैं बताया था ये जो क्यू बाई एल इंटू टी एक्स है ये क्या है, दैट इज नोन एज डी क्यू। ये क्या हमारे पास डी क्यू है, और ये बात क्यू बाई एल को हम लोग क्या बोलते थे, लैम्डा बोलते थे। तो क्या मैं डी क्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या, डी क्यू को? अब बोलो कि ये जरूरत क्यों पड़ी भाई साहब, इसलिए अगर डी को ई बनाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मुझे डी एक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए डी एक्स चाहिए। भाई साहब बहुत बेसिक बता रहा हूं, और इसको अच्छे से पढ़ोगे मजा आ जाएगा तुम्हें। तो ये क्या होने वाला है हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी ए, ये हमारे पास रहा मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई, और ये क्या करने वाला हूँ डी ई, और यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट इधर ही पुश करने वाला है। तो ये बताओ ये डी है, तो डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स ऑफ डी क्यू को, क्यू बाई एल को लैम्डा लिख सकते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ लैम्डा इनटू डी एक्स, और ये कितना होने वाला है, और ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और तुम इसको करोगे बाहर तो के बाहर लैम्डा बाहर, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये बताओ डी एक्स बाई, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, सपोज करो ये एक स्लाइडिंग मतलब बोल सकते हो स्लाइडर है, ये बताओ ये कहां से कहां तक मूव करेगा, ए से ए प्लस एल तक मूव करने वाला है कि मैं बोल रहा हूँ यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास ए है, ए है। मैं बोला कि यहां से जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो कहां से, इसको किनारे लेके जाओ, पूरा कवर होना चाहिए यहां तक, ए पे आए, ए से धीरे धीरे बढ़े और कहां तक जाओगे ए प्लस एल तक, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी ए, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी ए प्लस एल, ए प्लस एल होने वाली है। ये बता एक चीज मुझे, ये बता दो एक चीज मुझे, ये बता दो कि इंटीग्रेशन ऑफ मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, एडिशन करोगे तो कितना होगा सेम चीज एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन डी, ये होगा माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स की पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन, और ये होने वाला है माइनस वन बाई एक्स। तो आज से याद करो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होने वाला है माइनस वन बाई एक्स होने वाला है, कितना होगा माइनस वन बाई एक्स। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे, तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आने वाला है हमारे पास के लैम्डा माइनस वन बाई एक्स, और यहाँ पे यूज करोगे क्या, यहाँ पे यूज करोगे ए, और ये होगा ए प्लस एल, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट के लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये होगा वन बाई ए प्लस एल माइनस वन बाई ए। जब तुम इसको फर्दर रिराइट लिखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है कि ये माइनस को अंदर लोगे तो ये कितना हो जाएगा के लैम्डा, और ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा ए इंटू ए प्लस एल, सही है, और ये ए इधर इधर ए से मरेगा और ये क्या बचेगा ए प्लस एल माइनस ए, और ए से ए मरेगा यहाँ पे, सही है क्या, सही है। तो ये क्या होने वाला ए प्लस एल, और ये पक्का जाएगा ही, और ये क्या बचा हमारे पास, ये बचा कि लैम्डा एल डिवाइड बाई ए इंटू ए प्लस एल, यहां तक इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे क्या आने वाला है के लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ए प्लस एल आने वाला है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस, मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर है क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर है क्या, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू है क्यू बाई एल, लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्यू बाई एल को मैं क्या बोलने वाला हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ लैम्डा यूज करने वाला हूँ, क्लियर। ए की वैल्यू कहाँ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और एल का यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड, इस तरीके से। सपोज अब मैं बोलूं कि ये बताओ अगर हमारे पास ये तो रॉड का हुआ, अगर सेमी सर्कुलर रिंग होगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, भाई साहब यही टेक्निक यूज करने वाले हैं, यही टेक्निक यूज करेंगे। आज से याद करो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना होने वाला है माइनस वन बाई एक्स, क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना होने वाला है माइनस वन बाई एक्स, और ये कैसे आया, इस तरीके से आया हमारे पास,
कौन से फॉर्मूला से x की पावर n dx था, याद करना यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे dx होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, यह हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला एग्जांपल, जो मैं पहले जब मैं शुरू किया था तो मैं पहला दिखा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रॉड पे पहला एग्जांपल। दूसरा मैं लिखा था क्या, सेमी सर्कुलर रिंग, क्या सेमी सर्कुलर रिंग, ये कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। तो सपोज करो क्वेश्चन, मान लो इसको क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू सपोज करो कि हमारे पास इस तरीके का कोई रॉड, इस तरीके से हमारे पास, और ये क्या हमारे पास सेंटर है, और इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। ये क्या है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, और मैं बोला ये हमारे पास ओ है जिसका सेंटर, ये हमारे पास ओ, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस ऑल चार्ज, ये सारे के सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो मैं बोला इसका जो रेडियस है वो कितना होने वाला है, इसका जो रेडियस है वह मान लो हमारे पास आर है, तो ये बताओ क्या मैं वो पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, नहीं यूज कर सकते जब कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज आ जाएगी। देखो रेक्टिफिकेशन मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तुमको, बहुत ही ज्यादा। क्यों, और रेक्टिफिकेशन करोगे कितना फॉर्मूला याद कर लोगे तुम, कितना फॉर्मूला, मान लो ये नहीं दिया क्वाड्रेंट दे दिया, ये नहीं दिया और दे दिया तुम्हारे पास सेमी और एक और ये क्वाड्रेंट दे दिया, तो कैसे करोगे। तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन नहीं, मतलब स्किल बढ़ाओ अपनी और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, ये बताइए पूरा कंटिन्यूअस चार्ज ये कैसे बना होगा, मतलब छोटे छोटे मैं बोलूँ कि यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास है, ये इसमें जो टोटल चार्ज है हमारे पास क्या है, क्यू है, क्यू है, मैं बोला कि चलो ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे डी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे डी क्यू, सबको एडिशन करते रहोगे तो क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा मुझे टोटल चार्ज क्यू मिल जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे कर दिया एक एलिमेंट मैं चूज करने वाला हूँ, एक एलिमेंट मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ, और ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया दिस आर, और मैं बोला यहाँ से एंगल कितना थीटा है, बिकॉज ये ऐसे ना मूव कर रहा है, देखो ना ये तुम्हारे पास कुछ ऐसे मूव करेगा तो इसका मतलब कुछ एंगल ट्रेस करेगा, जब एंगल ट्रेस किया तो मैं बोला यहाँ से जो एंगल है मैं बोला छोटा सा, ये जो इतना बड़ा देख लो ना, इतना बड़ा नहीं है बहुत छोटा है, बट दिखाना तो पड़ेगा इसके अंदर, तो ये कितना होगा हमारे पास छोटा सा एलिमेंट में थीटा है। मैं बोला इसके अंदर जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है हमारे पास छोटा सा एलिमेंट डी क्यू, एक ऐसा काम करेगा हमारे पास पॉइंट चार्ज के जैसा काम करने वाला है। मैं बोला यहाँ पे जो लेंथ है वो कितना है हमारे पास डी एल लेंथ है, डी एल लेंथ है, तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, तो ये बताओ ये डी क्यू है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास होल डी क्यू है, और ये जो देख रहे हो वह इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही नजदीक है, मतलब एक पॉइंट चार्ज। ये बताओ इसके वजह से, अगर बोला कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलो यहाँ पे इसको इधर धक्का देगा, इसको यहाँ पे ये धक्का देने वाला है, तो मैं बोला कि यहाँ पे छोटे की वजह से क्या आने वाला है डी, ये बताओ अगर ये थीटा है तो ये कितना होने वाला है थीटा, याद करो कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट, याद है ना कंपोनेंट करने का तरीका, याद तो होगा ही, एक कंपोनेंट जिससे एंगल अटैच्ड होता है वह क्या आने वाला है कॉस कंपोनेंट, ये होगा हमारे पास डी कॉस थीटा, और ये क्या आने वाला है हमारे पास दिस इज नथिंग दिस इज डी साइन थीटा, ये क्या आने वाला है, एक आएगा डी कॉस थीटा, दूसरा क्या आने वाला है हमारे पास डी साइन थीटा, क्या आने वाला है, एक आएगा डी कॉस थीटा, एक आने वाला है डी साइन थीटा। बट एक दिन एक चीज ख्याल रखो, ये होता इसके वजह से इधर वाले की वजह से, इधर वाले की वजह से जो ये कंपोनेंट आ रहा क्या डी कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा एक तो कंपोनेंट इधर आने वाला है, देखो ना इसके वजह से एक कंपोनेंट, इसके वजह से एक कंपोनेंट आपस में कैसे लॉट हो गया। मैं बोला कि ऑब्जर्व करो ये चीज, ऑब्जर्व करो ये चीज कि मान लो ये मैं बोला ये एंगल थीटा पे, और यहां से भी एंगल थीटा ले लो, यहां से भी एंगल थीटा ले लो, मैं बोला ये डी क्यू एलिमेंट है तो यहां पे भी क्या होने वाला है डी क्यू एलिमेंट, इसके वजह से एक कंपोनेंट, इसके वजह से ये बता एक कंपोनेंट इधर, तो ये क्या आने वाला है डी कॉस थीटा, यहां भी क्या आने वाला है डी कॉस थीटा,
ये आपस में क्या होने वाला है, कैंसल आउट। सपोज कर ये एंगल पे ये इसकी वजह से कैंसल आउट, बट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होने वाला है, सारे के सारे ऐड होने वाले हैं कि नहीं, सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्यू टू मिरर एलिमेंट वो आपस में क्या होने वाले हैं, कैंसल आउट हो जाने वाले हैं। अगर कैंसल आउट हो गए तो ये बताओ यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं बोल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज विल बी जीरो, बिकॉज इसका मतलब ये डी कॉस थीटा आपस में क्या होने वाला है, डी कॉस थीटा विल बी कैंसल आउट टू ईच अदर, डी कॉस थीटा विल बी कैंसल आउट टू ईच अदर ड्यू टू मिरर एलिमेंट। बोल सकते हो मिरर एलिमेंट के ये हो क्या होगा, मिरर एलिमेंट की वजह से क्या होने वाला है, ये आपस में कट हो जाएगा। तो ये बताइए क्या है, डिग्री कॉस थीटा ये हमारे पास क्या है, डिग्री साइन थीटा ये हमारे पास क्या है, थीटा है, इसका मतलब ये आपस में क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आने वाला है, डीई वाई डायरेक्शन में आने वाला है, और डीई वाई डायरेक्शन में क्या हमारे पास डीई साइन थीटा। और ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीई साइन थीटा का, डीई साइन थीटा का। ये बताओ डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डीई की वैल्यू हो गई के टाइम्स ऑफ डी क्यू। और ये बताओ डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये तो फिक्स होने वाला है, ये भी आर होगा तो ये भी कितना होने वाला है, आर होने वाला है, ये होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये कितना होगा हमारे पास साइन थीटा होने वाला है। ये बताओ डी क्यू की वैल्यू कितनी होने वाली है, इसका मतलब मैं बोला कि ये टोटल एल लेंथ में, मैं बोलूंगा ये टोटल एल लेंथ क्या हो गया भाई साहब, मीन्स ये बताओ ये अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका लेंथ कितना होने वाला है, 2 पाई आर का आधा करोगे तो कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, आधा करोगे तो क्या होने वाला है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। मैं बोलूंगा कि पाई आर में, पाई आर में टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है, तो एक यूनिट में कितना होने वाला है क्यू बाई पाई आर, और q by pi r है क्या, that is nothing, it is a lambda, that is nothing, it is a lambda। मैं बोलूंगा कि ये dl length में कितना होने वाला है, dl length में होगा q by pi r into कितना होने वाला है, dl होने वाला है, ये हो गया। ये है क्या, is nothing, this is a dq, ये क्या हमारे पास dq है, और इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये हमारे पास होगा lambda। अब बोलोगे सिग्मा क्यों नहीं यूज किए भाई साहब, पूरा एरिया में थोड़ी ना है, पूरा एरिया में थोड़ी ना है, ये तो बस सिर्फ इसमें है। तो मैं बोला कि ठीक है डी क्यू की वैल्यू रखो तो ये के बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करोगे डी क्यू की वैल्यू कितनी आने वाली है, लैम्डा इनटू डीएल, और ये कितना आने वाला है साइन थीटा। ओहो फिर से कहीं ये बताओ यहाँ पे यार डीएल साइन थीटा है, यहाँ पे लैम्डा डीएल साइन थीटा, ये अगर लैम्डा डीएल साइन थीटा है यहाँ पे, ये मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे डी थीटा होना चाहिए। मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूँ, करना होगा तो बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। थीटा साइन थीटा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी थीटा होना चाहिए। ये बताओ इसका मतलब डीएल को भी कन्वर्ट करेगा। ये बताओ तुम्हें एक प्रॉपर्टीज मालूम होगी, तुम्हें एक प्रॉपर्टीज मालूम होगी कि अगर ये डी थीटा है, अगर ये एल है, ये आर है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आर बाई रेडियस, मीन्स डीएल बाई आर, और डीएल की वैल्यू कितनी होने वाली है, डीएल की वैल्यू होने वाली है आर डी थीटा होने वाली है कि नहीं। इसका मतलब डीएल की जगह मैं पुट करने वाला हूँ क्या आर डी थीटा, और ये देखो आर डी थीटा पुट करोगे, आर से आर एक मरेगा, लैम्डा बाहर आएगा, ये होने वाला है के लैम्डा बाई आर, और ये कितना आएगा हमारे पास साइन थीटा, और ये होने वाला है डी थीटा, मींस दिस इंटीग्रेशन आर रेडी, ये इंटीग्रेशन रेडी है इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज थीटा है तो थीटा। ये होता है ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे हम लोग, मीन्स ये एलिमेंट जीरो से पाई, जीरो से पाई मीन्स जीरो से पाई तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, जीरो से पाई। अगर तुम लिमिट्स लगा दिए तो उसके बाद जो तुम्हारा काम है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट नहीं रहता लिमिट लगाने के बाद। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, देखो मींस ये होगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये होगा साइन थीटा, ये देखो याद है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा,
कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या यूज होगा, माइनस कॉस थीटा ये होने वाला है। ये तो मालूम ही होना चाहिए भाई साहब, कॉस थीटा हमारे पास और ये कितना होगा यहाँ पे जीरो से पाई माइनस के लैम्डा इनटू आर, और ये होगा कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, कॉस जीरो की वैल्यू माइनस वन, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई माइनस वन, कॉस जीरो माइनस वन, माइनस वन माइनस टू और माइनस टू हो जाएगा। तो ये कितना आने वाला है टू के लैम्डा बाई आर, ये कितना आने वाला है टू के लैम्डा बाई आर इज द आंसर। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में आ रही है, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, बिकॉज ये वाला तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये वाला आपस में कैंसिल आउट हो गया। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया वह कितना आया वाई डायरेक्शन में आया, वाई डायरेक्शन में कितना आया टू के लैम्डा बाई आर, ये कितना आने वाला है टू के लैम्डा बाई आर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया वाई डायरेक्शन में। ये चीज क्लियर हुआ पक्का, ये चीज क्लियर हुआ तो मैं इसको जनरलाइज करता हूं, मैं इसको जनरलाइज करूं, चलो जनरलाइज करते हैं इसको हम लोग। हिसाब मजबूत हो जाएगा, घबराओ नहीं, बेस तो मैं इतना स्ट्रांग कर दूंगा ना, मैं गारंटी लेता हूं, मैं एश्योरेंस लेता हूं कि तुम लोग का बेस बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाने वाला है। ओके, जनरल केस हम लोग लेते हैं, जनरल केस कोई आर टाइप होगा उसमें हम लोग जनरल केस लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक ओ है और ये हमारे पास आर्क है, यही तो है। अगर आर्क ये अगर हमारे पास एंगल है, अगर ये एंगल 180 हो गया तो सेमी सर्कल बन जाएगा, ये अगर एंगल हमारे पास 360 हो गया तो क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा हमारे पास पूरा सर्कल बन जाने वाला है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, मैं बोला ठीक है इसमें जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास प्लस 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 भाई साहब प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो मैं बोला कि ठीक है तो इसमें क्या है, मैं क्या किया कि मैं बोला ये अल्फा है, ये अल्फा है तो मैं एंगल बाइसेक्टर कर रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर करने के बाद मुझे पता चला कि ये है हमारे पास अल्फा बाय टू, थोड़ा सा और एंगल वाइट करते हैं बिकॉज ज्यादा वो हो जाएगा दिक्कत। तो ठीक, हो गया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। मैं बोला कि यहाँ पे ये प्लस है, प्लस प्लस चार्ज है, अब बोलो अगर माइनस चार्ज होता तो कुछ नहीं यार, डायरेक्शन चेंज हो जाता, वैल्यू तो सेम ही होता, वैल्यू सेम रहता बस डायरेक्शन चेंज होता। तो मैं बोला कि यहां से एक एंगल बाइसेक्टर डालो और ये एंगल है हमारे पास, मानो टोटल अल्फा 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 है, ये हो जाएगा अल्फा बाय टू और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास अल्फा बाय टू हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाने वाला है यहाँ पे अल्फा बाय टू। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या होने वाला है। ये चीज पता कर लेंगे हम लोग, पता कर लेंगे, बट पता करने से पहले ये बताओ मेरा टेक्निक वही हमेशा वाला सेम होने वाला है। ये बताओ अगर ये प्लस प्लस है तो क्या ये पॉइंट चार्ज है कि कंटिन्यूअस चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है। अगर ये कंटिन्यूअस चार्ज है तो ये बताओ यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, मीन्स थोड़ा सा एंगल मूव करो यहाँ पे, थोड़ा सा एंगल वर्टिकल से मूव करो। मैं बोला कि मूव करके मैं आया यहाँ पे, मूव करके मैं आया यहाँ पे और एंगल मैं लिया यहाँ पे सपोज करो थीटा, मैं कितना लिया एंगल थीटा। मैं बोला कि एक छोटू सा एलिमेंट यहाँ पे लो और ये कितना है हमारे पास, ये एंगल है डी थीटा और ये तो आर ही होने वाला है, बिकॉज ये आर ही होने वाला है, ये आर होगा तो ये भी क्या होने वाला है आर होने वाला है, ये थीटा होगा। तो मैं बोला कि इसके अंदर जो चार्ज है, मैं बोल रहा है टोटल चार्ज कितना है क्यू, और ये बताओ यहाँ पे जो चार्ज होने वाला है, यहाँ पर जो चार्ज होने वाला है वह कितना होने वाला है, बता सकते हो क्या। मैं बोला कि छोटा सा चार्ज है dq और ये लेंथ कितना है हमारे पास l,
अब बोलोगे, अब तुम बोलोगे ये बताओ अब इसका लेंथ कैसे पता होगा भाई साहब, अब इसका लेंथ कैसे पता होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो पता नहीं है, तो लैम्डा मेरे पास है, मेरे पास लैम्डा है, जब मेरे पास लैम्डा है तो इसका कब क्या है, मेरे पास जब लैम्डा है तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आने वाला है, इस डायरेक्शन में आने वाला है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। ये बताओ ये इधर पुश करेगा तो ये मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और मैं बोला कि अगर अगर ये थीटा है तो ये कितना होने वाला है हमारे पास, थीटा होने वाला है, ये थीटा है तो ये भी कितना होने वाला है डी, तो मैं बोला कि ये कितना होगा डी ई कॉस थीटा, और ये क्या होने वाला है डी ई साइन थीटा होने वाला है, ये कितना होगा डी ई कॉस थीटा होने वाला है, और ये कितना होने वाला है डी ई साइन थीटा होने वाला है। अगर डी ई साइन थीटा है तो ये बताओ कि ये बताओ ये मिरर एलिमेंट है कि नहीं, डी ई साइन थीटा आपस में क्या होने वाला है, कैंसल आउट हो जाएगा, बोलो कैसे भाई साहब, ये बताओ इतना अल्फा बाय टू मीन्स एंगल सेम है, इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर 10 कूलम है तो 5 कूलम इधर 5 कूलम इधर, 12 कूलम है तो 6 कूलम इधर 6 कूलम इधर है कि नहीं, इसका मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन डी साइन थीटा क्या होने वाला है आपस में कैंसल आउट होगा। तो मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में क्या होने वाला है, वर्क हो जाएगा हमारे पास जीरो ड्यू टू मिरर एलिमेंट, वो क्या होगा आपस में क्या होने वाला है कैंसल आउट हो जाएगा, जैसे पिछली वाला केस इसका जो आएगा डी कॉस थीटा एडिशन, वर्टिकल कंपोनेंट पूरा एडिशन में चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसल आउट करके मर जाएगा और बोलेगा आई एम द विनर, ये बोलेगा विनर कहाँ भाई साहब, तुम्हारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब मैं इफेक्ट दिखाऊंगा किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है। तो मैं बोला कि ठीक है निकालो तो मैं जानू, तो मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ एक्स डायरेक्शन में जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कितना होने वाला है, तो मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया जाए क्या, ये बताओ डी कॉस थीटा है तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ई वाई इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू कितना होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये कितना होने वाला है कॉस थीटा, और ये बताओ अगर ये चीज है, अगर ये चीज है ये बताओ ये के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा है, के बाई आर स्क्वायर डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज थीटा है तो डी थीटा चाहिए, तो ये बताओ डी क्यू की वैल्यू कितनी होने वाली है, डी क्यू बाई डीएल इज इक्वल टू क्या मैं लैम्डा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज लैम्डा है क्या क्यू बाई टोटल लेंथ एल, तो मैं बोलूंगा डी क्यू इज इक्वल टू कितना होने वाला है लैम्डा डॉट डीएल, ये बताओ डीएल की वैल्यू कितनी होने वाली है, थीटा इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू आर बाई रेडियस आर, और डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर डी थीटा होने वाली है, क्लियर, ये बताओ मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा होने वाला है, अगर लैम्डा आर डी थीटा है तो इसको यूज करो पुट अप करो कि डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, डी क्यू की वैल्यू होगा लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये कितना होने वाला है कॉस थीटा होने वाला है, और ये बताओ आर से एक आर मरेगा कि लैम्डा बाई आर बाहर आएगा, और ये क्या बचेगा हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा, और कहां से कहां तक वेरी करने वाला है थीटा की वैल्यू, देखो ये प्लस में तो ये माइनस में, तो माइनस अल्फा बाय टू से लेके कहां तक प्लस अल्फा बाय टू, क्लियर हुआ, तो ये कहां से माइनस अल्फा बाय टू से लेके प्लस अल्फा बाय टू करोगे, ये बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा, ये होने वाला है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू है साइन थीटा और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा बाय टू, और ये होने वाला है प्लस अल्फा बाय टू, पुट अप करो और वैल्यू देखो क्या आने वाली है के लैम्डा बाई आर, और ये आने वाला है कितना साइन अल्फा बाय टू, साइन अल्फा बाय टू माइनस ऑफ साइन, यहां पे कैंसिल मत कर देना भाई साहब, माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस अल्फा बाय टू, इसका मतलब माइनस और ये माइनस वाला अंदर वाला साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टू साइन अल्फा बाय टू, मैं बोलूंगा ये आया हमारे पास टू के लैम्डा बाई आर, और ये आने वाला है कितना साइन अल्फा बाय टू, ये कितना आने वाला है साइन अल्फा बाय टू, इसका मतलब ये हुआ जनरल केस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। अब बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप,
ex i cap 0 होगा तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ey j cap, मतलब ey ही होने वाला। तो बोला कि ey अगर होने वाला है तो ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास OP, OP जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया OP वो कितना आने वाला है, वह आने वाला है 2k लैम्डा बाई r, और ये होने वाला है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा बाई 2, कितना आने वाला है साइन ऑफ अल्फा बाई 2। क्लियर हुआ? अगर ये चीज क्लियर हुआ तो मैं तुम्हें जनरलाइज करके दिखाता हूं कि किस तरीके से ओके ये बोला गया। अगर मान लो हमारे पास ये हो गया अल्फा बाई 2, अगर अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री होगा, अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री होगा, इससे पहले वाले केस में अल्फा की वैल्यू अगर 180 होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से बन जाने वाला है, ये प्लस 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 प्लस, और ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, मीन्स साइन ये होगा 2k लैम्डा बाई आर, ये होगा साइन 180 बाई 2 होगा, ये कितना होगा साइन 90, और ये कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर होने वाला है। मैं बोला अगर अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हुआ तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हुआ मीन्स क्वाड्रेंट एक होगा, अगर क्वाड्रेंट है हमारे पास अब तो तुम चाहे कितना भी एंगल पे कोई सा भी एंगल पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आने वाला है 2k लैम्डा बाई आर, और ये कितना होने वाला है साइन ऑफ, और ये होने वाला है साइन 90 बाई 2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट टू, और ये 2 इधर से जाएगा तो ये कितना होगा अंडर रूट 2k लैम्डा बाई आर, ये कितना आने वाला है अंडर रूट 2k लैम्डा बाई आर। मैं बोला कि अल्फा की वैल्यू अगर 360 डिग्री हो गया तो क्या आने वाला है, अल्फा की वैल्यू 360 डिग्री हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मीन्स वन मोस्ट इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है 0। इसका मतलब अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर बॉडीज है मीन्स चार्ज बॉडीज, और ये हमारे पास एक रिंग है मीन्स होल रिंग, ये पूरा अगर हमारे पास रिंग है, अगर आप पूछा कि इस रिंग के ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होने वाला है, इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे कितना होने वाला है 0 हो जाने वाला है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, नहीं साहब ऐसा इसलिए हुआ कि ये जितना इधर बनाएगा उतना इधर बनाएगा, ये जितना इधर पुश करेगा उतना रिपेल इधर, इधर रिपेल, इधर रिपेल, आपस में क्या होने वाला है सारे के सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो और यहाँ पे आने वाला है क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 होने वाला है। आप तो कोई सा भी एंगल चाहे मीन्स 120 डिग्री 150 190 180 170 किसी भी एंगल पे आप ये अब तुम निकाल सकते हो, कोई सा भी केस जहां पे आर की वैल्यू क्या होने वाली है फिक्स्ड होने वाली है, मतलब सर्कल, मतलब ये सर्कल कोई सा भी एंगल ले लो, और अल्फा की वैल्यू, अल्फा है क्या, अल्फा 180 अल्फा 90 अल्फा, और ये कितना आने वाला है हमारे पास अल्फा 360 डिग्री। इस तरीके से हम लोग अल्फा को कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, रॉड अगर वर्टिकल होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट रॉड होगा इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर होगा तो उसकी वजह से क्या आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पढ़ते रहो, बाय।